बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो कि अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना पसंद करती हैं। वो शादी से सामाजिक रीति तक सीमित ना रखते हुए खुद की इच्छाओं पर जीवन जीती हैं, अपने निर्णय खुद लेती हैं। 40 का आंकड़ा पार करने के बाद भी इन्होंने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन सही इंसान के आने का इंतजार इन्हें जरूर है। इसमें सबसे पहला नाम है सुष्मिता सेन का। सुष्मिता सेन आज देश भर में ना जाने कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन है। सुष्मिता का नाम वसीम अकरम, अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ियों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन 46 साल की होने के बावजूद उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। मिस यूनिवर्स ने 2 बेटियों को गोद ले रखा है और फिलहाल वो मॉडल रोहमन शॉल को डेट कर रही हैं। वहीं तबस्सुम हाशमी यानी तब्बू 48 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। एक समय उनके और साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। तब्बू का मानना है कि सिर्फ समाज की रीतियों को निभाने के लिए वो शादी नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर परफेक्ट मिलेगा तो वो शादी जरूर करेंगी। वहीं अमीषा पटेल को पहली बार ऋतिक रोशन के साथ का होना प्यार है में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में अच्छा काम किया है। अभिनेत्री 43 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने शादी नहीं की है। बॉलीवुड में एक समय उनके और फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट के साथ अफेयर की खूब चर्चे हुआ करते थे। वहीं साक्षी तंवर 50 साल के आंकड़े को छूने के बेहद करीब हैं, लेकिन उन्होंने भी शादी नहीं की है। साक्षी को अभी तो कोई ऐसा नहीं मिला है जिससे वो शादी कर सके। वो पहले ये बात कई बार बता चुकी हैं। हालांकि 2015 में उनके चोरी छिपे शादी कर लेने की अफवाहों ने खूब जोर पकड़ा था। वहीं नरगिस फाकरी ने भी शादी नहीं की है, वे अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही हैं। 2011 में रॉकस्टार से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री 41 साल की हो चुकी हैं। एक समय नरगिस उदय चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और उनका मानना है कि शादी बस एक लेबल है।